हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और फाइनली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप को आप किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से भी रिन्यूअल कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस होता है उसको रिन्यूअल करने का। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं तो केवल आपको रिन्यूअल करके उसकी फाइनल प्रिंट यानी कि उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके कॉलेज में जमा कर देनी होती है। तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। यहाँ पे स्टूडेंट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से सबसे नीचे रिन्यूअल लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद से जो भी आपकी कैटेगरी होगी 9-10 के लिए, 11-12 के लिए, उसके बाद से 10-12 के बाद से आप कोई भी कोर्सेज वगैरह करते हैं उनके लिए है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन के, इंटर स्टूडेंट लॉगिन के, और ये अदर स्टेट के लिए सबसे नीचे चौथा ऑप्शन दिख रहा है। तो तीसरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जो भी ऑप्शन होगा। उसके बाद से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर के यहाँ पे क्या करना है, नीचे की ओर कैप्चा भर के यहाँ पे सबमिट करना है। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ें फिलअप हो गई। यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए ऑलरेडी मैंने इनका कुछ स्टेप वेरीफाई कर दिया है, लेकिन आपको दिखा दे रहा हूँ सारी चीज़ें करके, ठीक है। यहाँ से एप्लीकेशन से दिखाऊंगा, शुरू से मैं सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2022-23 नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले 3 लाइन दिख रही होंगी, इस पर आपको क्लिक करना है। पहला ऑप्शन आपको कुछ नहीं करना होता है, दूसरे ऑप्शन पर नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, ठीक है। ये भी इनका ट्रिक है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें फिर से लाइव करके दिखा देता हूँ। पहले वाले ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना होता है, दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए पाठ्यक्रम कब का, ये ऑलरेडी ले लेगा फर्स्ट ईयर से भी, ये भी ऑलरेडी फर्स्ट ईयर से भी रहेगा, ये भी फर्स्ट ईयर से भी, ये भी ऑटोमेटिक फिलअप होगा। अगर आप सेकेंड ईयर में है तो यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 3 रहेगा। अगर आप फाइनल ईयर में है तो 3 और 3, मतलब कि 3 साल का डिप्लोमा होता है मान लीजिए कि, और आप कौन से साल में इस वक्त हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका ले लिया जाएगा। ये भी जो आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था, कह लीजिए प्रवेश हुआ था, वो भी आपका ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। अब यहाँ से देखिए छठवें ऑप्शन से आपको भरना है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, यानी कि इस सत्र में आपकी प्रवेश कब हुआ है, आपका एडमिशन किस डेट में हुआ है, तो अपने कॉलेज से भी पूछ लेंगे। और एक और चीज़ रहता है, जो आप फीस जमा किए रहते हैं, रसीद रहती है, उस पर जो डेट मेंशन रहता है वो भी यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉलेज वाले डेट नहीं बता रहे तो जो आपके फीस रसीद पर डेट मेंशन होता है, वो जिस दिन में आपने फीस जमा की होती है वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, कर दिया जाता है। देखिए इनका 2/9/2022 है, ठीक है। उसके बाद से बोर्ड का जो आपका इनरोलमेंट नंबर, बात करें अगर BTUP बोर्ड की, तो इनरोलमेंट नंबर मिलता है। इसी तरीके से आपका जो भी बोर्ड होगा वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद से बोर्ड का नाम कौन सा बोर्ड है, जैसे ये इनका BTUP बोर्ड है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश कहिए या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहिए, ऐसे ही जो भी आपका बोर्ड होगा वो भर देना है। उसके बाद से राशन कार्ड और परिवार ID। अब देखिए राशन कार्ड परिवार ID में यहाँ पे देखिए स्टार नहीं बना है, ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज अगर है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे आपको कैप्चा भर देना है, कैप्चा भर के यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद से सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इनका तो मैंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, जो गलत डाटा है वो मैं इनका सुधार कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए शुल्क संबंधित, यहाँ पे आपको शुल्क संबंधित वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इनका मान लीजिए कि 11,010 रुपये लगा था, ठीक है, ये भी ऑलरेडी पहले से ही ले लिया गया है, तो इसको भी आप रहने देंगे। मतलब आपको अगर जो भी, जैसे कि मान लीजिए पिछली बार कुछ और लगा होगा, हॉस्टल वगैरह में रहते होंगे तो, इस बार बाहर निकले होंगे तो कुछ और होगा, तो यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। आप चेंज करके कैप्चा भर देंगे, उसके बाद से यहाँ पे करके फिर से आप क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे इसको भी यहाँ से, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी इनकी की हुई है। अब देखिए गत वर्ष, इसमें बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन है, गत वर्ष में क्या किस तरीके से भरेंगे। देखिए गत वर्ष का मतलब गत पिछले वर्ष का परीक्षा फल, आप पास हैं, ठीक है, पास है, फेल है, तो जाहिर सी बात है फेल वालों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। अब देखिए गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली सेमेस्टर प्रणाली थी, अब गत वर्ष की अंक प्रणाली, यानी गत वर्ष की अंक प्रणाली जो है वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली, यानी कि जो आपका दोनों सेमेस्टर हो गया, दोनों सेमेस्टर का मिला करके फाइनल आपको यहाँ पे डाटा देना होता है। अब देखिए संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक, यहाँ पे संस्था द्वारा कोई अंकित पूर्णांक नहीं है, चौथे में छोड़ देंगे। गत वर्ष का प्राप्तांक, यानी कितने में आपने कितना पाया है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑलरेडी मैंने फिलअप किया हुआ, इनका भी 1300 में, ठीक है, 1300 में 1031 इन्होंने पाया है। उसके बाद से गत वर्ष का प्रतिशत यहाँ पे, तो 79.31 इनका परसेंटेज हो जाएगा। और शिक्षण संस्थान का नाम संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी। उसके बाद से कैप्चा फिलअप करना है, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है इस चीज़ को लेकर के, कि उनके मान लीजिए कि उन्होंने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन अर्थात रिचेक का फॉर्म भरा है, या फिर उनकी बैक मतलब कुछ कारणवश उनका ग्रेस मिल गया है और उसके चलते उन्होंने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दिया है, तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे। देखिए जो भी अभी फिलहाल में आपके, अगर मान लीजिए कि डेट स्कॉलरशिप की बढ़ भी सकती है, तो अभी तो आप थोड़ा वेट कीजिए कि हाँ आपका रिजल्ट आ जाए। अदरवाइज अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, डेट समझिए कि खत्म होने के कगार पे है, तो आप फिलहाल में जो आपके रिजल्ट पे डाटा मेंशन है वही भर सकते हैं। लेकिन आपको 2 दिसंबर 2022 से लेकर के 15 दिसंबर तक करेक्शन की डेट है, उस बीच फिर से आपका पोर्टल खोला जाएगा, उस बीच जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर से सही डाटा आपको भर
भर के, सही मार्क्स आपको भर के वहाँ पे अपलोड करने होंगे। अगर ये डाटा आपका गलत रहता है, यही मेन चीज़ें होती हैं कि हाँ पिछले कक्षा में पास थे या फिर फेल थे, फेल होंगे तो स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है, तो पास है तो आपने कितने में कितना पाया है और आपका परसेंटेज कितना है, अगर यही आपका गलत हो गया डाटा तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद से आप देखिए अल्पसंख्यक के लिए जो माइनॉरिटी के छात्र हैं उनके लिए होता है कि क्या आप भारत सरकार के छात्रवृत्ति में, किसी और छात्रवृत्ति में आपने आवेदन किया है, तो नो, तो ये सारे ऑप्शन ऐसे रह जाएंगे। और देखिए अब माता पिता के बारे में कि किसी भी सेना में या फिर किसी चीज़ में है या फिर नहीं, तो उसका भी नो आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से जीवित हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है तो जीवित है, अगर मृत्यु करेंगे यहाँ पे तो कई सारे ऑप्शन ये आपको सब भरने होंगे, ठीक है। उसके बाद से कैप्चा भर के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब देखिए फिर से आपको क्या करना है, बैक चले आना है। अब देखिए तीन ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद जब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर जब प्रिंट करेंगे तो ये आपके दोनों और जो ऑप्शन होते हैं चौथे और पांचवे ऑप्शन वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएंगे, यानी कि वो भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि दो ऑप्शन मान लीजिए कि आपको बस पहले वाले ऑप्शन में, यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है दूसरा वाला ऑप्शन अप्लीकेशन फॉर्म, इसी में जो भी संशोधन करना होता है वो करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली ये जब कंप्लीट कर लेंगे, इसमें भी जब यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड करें, ये भी आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने के लिए कह रहा है, ये भी आपका फर्स्ट ईयर से ले लिया जाता है, ठीक है, आधार भी कंप्लीट हो जाएगा। और जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें डायरेक्टली, ये इसके बाद से दूसरे वाले ऑप्शन के बाद से आपको यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके ये सारे ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट ईयर में डाटा सही है तो। उसके बाद से यहाँ पे कहा जा रहा है एप्लीकेशन को आप लॉग नहीं करेंगे, देखिए आप यहाँ एप्लीकेशन लॉग दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, यानी कि आवेदन पत्र को जांच लें एक बार पहले, यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल करके देखिए एक बार और करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे आकर के आपको लॉक कर देना है, लॉक करके उसके बाद से तीन दिन में आपको हार्ड कॉपी निकाल करके कॉलेज में जमा कर देनी होती है, यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके पास पीडीएफ जनरेट होकर आएगा, इसको आपको यहाँ पे प्रिंट दिस पेज पे आपको सेव करके इसको पीडीएफ बना लेना और देख लेना है कि हाँ इसमें कुछ डाटा गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई डाटा गड़बड़ होगी तो आपको क्या करना है, उसको फिर से एक बार मिलान करके फिर से जाकर के यहाँ से वेबसाइट से अपने यूपी स्कॉलरशिप की करेक्शन कर लेना है कि कोई डाटा गड़बड़ ना हो। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।